नमस्कार, मैं आशीष कुमार साह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। में इस वक्त हजारीबाग में उपस्थित हुआ है। हमारे साथ जानकी साहु एडवोकेट जो है वो हमारे साथ उपस्थित है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। खुद जानकी साहु से जानकारियां लेने जा रहा हूँ कि क्या इस बार आप भी चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको चैनल को रफ्तार मीडिया को हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे और हम यही कहना चाहते हैं कि बड़का गांव की जो दुर्दशा है और जिस गरीबी हालत से हम लोग पले हुए हैं, जिस उम्मीद के साथ हम लोग पढ़े लिखे हैं, इस और बड़का गांव के कई गांवों से जो लड़के लोग गांव देहात जंगल घाट से लोग पढ़ लिख करके एक उम्मीद के साथ जो पढ़ने के लिए और अपने माँ बाप का विश्वास के साथ जो पढ़ करके और अभी एक निराश और हताश लोग बैठे हुए हैं, इस स्थिति को देखते हुए हमको लग रहा है कि अगर हमारे बड़का गांव के जनता लोग मौका दें तो निश्चित रूप से हम चुनाव में दौड़ेंगे। आपको एक गरीब परिवार से हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप इतना चुनाव में खर्च तो काफ़ी होती है, कहाँ से आप चुनाव का? देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे, ये बात सच है कि चुनावी में काफ़ी खर्च होता है, लेकिन जनशक्ति जनसलाब अगर तैयार है और जनशक्ति के सामने कोई धन शक्ति काम नहीं करता है, ये स्पष्ट रूप से हम कहेंगे। और ये भी हम स्पष्ट कर ये कहना चाहेंगे कि अगर युवाओं की जिज्ञासा और युवा की अगर एक सोच विकास की ओर है, वहाँ पर पैसे की डिमांड नहीं, बिल्कुल दिल से दिल मिला करके किसी भी एक गरीब से गरीब अगर कैंडिडेट होता है तो वहाँ पर बड़का गांव में एक बहुत हमने अपने साथियों से मिला पूछताछ किया तो ये स्पष्ट लोग बोलते हैं कि अगर भैया गरीब से गरीब भी अगर कोई कैंडिडेट आता है ना, लेकिन साफ सुथरा छवि के अगर आता है तो निश्चित रूप से अगर आर्थिक रूप से अगर हम लोग को व्यक्तिगत रूप से सहयोग भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे और उसको हम लोग जिताने का ये विचार बिल्कुल दमदार तरीके से रखेंगे। ऐसे लोगों की एक आवाज़ सुनने को मिलता है तो हमें भी लगता है कि अगर हमारे युवा की अगर सहयोग मिल जाए और जनशक्ति अगर हमारे साथ हो जाए तो यहाँ पर धन शक्ति की नहीं, बिल्कुल जनशक्ति का हमेशा जीत हुआ है और ये बिल्कुल एक इतिहास रहेगा बड़का गांव के लिए कि अगर हम गरीब के कैंडिडेट को अगर सभी स्वार्थ को देखते हुए निस्वार्थ के भाव से अगर गरीब को अगर जीतने का मौका दिया जाए तो गरीब बिल्कुल गरीब कैंडिडेट होते हुए भी एक गरीब को दर्द को पहचानेगा और गरीब के हर समस्या को समझने का प्रयास करेगा। आखिर कौन सा पार्टी है जो आप उस पार्टी से टिकट लेकर आप बड़का गांव विधानसभा का चुनाव में आए हुए? देखिए, हम बचपने से जब मैं हमारी गरीबी इतनी गुजर रही थी तो उस समय मैं भी मेरे पास कोई पढ़ाई का स्रोत नहीं था तो हमने भी कोई पार्टी से सहयोग लिया था छोटा मोटा पार्टियों से और इस तरह से मैंने पार्टिसिपेट होकर के कुछ पब्लिक का काम हमको मिलता था, उसी से हमारा पार्टी हम पब्लिक का काम करते गए और काम करते करते हम अपनी पढ़ाई को भी पूरी किया है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो सभी पार्टियों से हमको क्षुब्ध महसूस होता है और मैं ही नहीं, एक कैंडिडेट होने के नाते ही नहीं, और यहाँ पर नौजवानों ने वोट मारते मारते हमारे बाप दादा ने भी वोट मारते मारते जो उम्मीद था वो उम्मीद में पानी फिर गया। निश्चित रूप से अभी हमने YouTube के माध्यम से हमने जब देखते हैं कि जयराम महतो का YouTube से हम काफ़ी अच्छा देख रहे हैं और ये देवेंद्र बाबू ये लोग जो झारखंड की विकास के बारे में बात रख रहे हैं, युवा की जो सोच को युवा की जो बेरोजगारी है इस पर बिल्कुल जो मध्य नज़र ये लोग ले रहे हैं और एक बदलाव की झारखंड बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो हम बड़का गांव सबसे पहले बदलाव की दृष्टि में देखना चाहेंगे। क्या आप JBKSS से आना पसंद करते हैं? बिल्कुल, हम उनका जयराम महतो को दिल से बिल्कुल हम उनकी एक एक बात को जब हम मंथन करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आने वाला दिन में ये झारखंड को बदलाव लाएंगे और अगर उनके साथ साथ अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम भी अपने क्षेत्र को बदलाव लाएंगे, निश्चित रूप से स्वभाव है। क्या JBKSS आपको कैसा फीडबैक दिया? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमको। और जब मैं संजय मेहता वगैरह से कभी मैं फोन में बात करता, हम बीच बीच में करते रहते हैं, हमारे कुछ साथी लोग हैं बड़का गांव क्षेत्र में, भले ही इस पार्टी का भी वर्चस्व नहीं है लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी का वर्चस्व नहीं है उस पार्टी में, जैसे कांग्रेस है भाजपा है
इस प्रकार से मेरी पार्टी बड़गांव क्षेत्र में फैली हुई नहीं है, लेकिन हर युवा में यूट्यूब के माध्यम से जेबी केसेस पार्टी को हमारे नौजवान बिल्कुल तहे दिल से सुन रहा है, समझ रहा है और एक एक बात को मंथन कर रहा है। क्या लगता है कि इस बार आपको जेबी केसेस बड़गांव से उतारेगी? अगर हम प्रयास में हैं कि अगर मेरी आवाज़ गरीब तक पहुँचे और गरीब का अगर मेरा अगर इतिहास देखा जाए, हमारी जो बचपना का मैट्रिक पास करने के बाद जो हमने समाज के बीच में मिलजुल करके रहा है और एक प्रत्येक समाज को हमने हर समाज में किया है, बैठ कर अपना मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरी पहुंच है वो हर समाज में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से लगता है कि अगर हम मुझे मौका मिले तो हमारे सारे समुदाय के लोग हमको, समाज के लोग हमको सपोर्ट करेंगे। अरे एडवोकेट जानकी साउथ है जो बड़गांव विधानसभा का इस बार चुनाव लड़ने का मूड में है, सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं आशीष कुमार साह, रफ्तार मीडिया, हजारीबाग।